नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया। आप देख रहे हैं टीटीएन 24 न्यूज। आज की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी खबरों के साथ। बोकारो न्याय सदन से लोक अदालत की आप हमारे टीटीएन 24 नेशनल न्यूज चैनल पर लाइव प्रसारण दिया जा रहा है और हमेशा की तरह हमारा चैनल लगातार न्याय से संबंधित खबरें एवं नेशनल लोक अदालत के सभी कार्यक्रमों को लाइव प्रसारण करता रहा। आज भी आप हमारे चैनल पर बोकारो से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। बोकारो से न्याय सदन से लाइव प्रसारण देखिए टीटीएन 24 पर। म्युनिसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज कम चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी बोकारो रिस्पेक्टेड लर्नर प्रिंसिपल जज गांधी कोर्ट बोकारो प्रिंसिपल लर्नर प्रिंसिपल जज नेबर कोर्ट बोकारो रेस्पेक्टेड डीएफओ बोकारो रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट कंज्यूमर बोकारो ऑफ द डायस लर्नर जुडिशियल ऑफिसर्स एस्टीम्ड डिग्निटरीज मेंबर्स ऑफ बार court staff, litigants, media persons and all others present here, I, Shishri Kumari, on behalf of District Legal Services Authority, Bokaro, welcome you all in the inauguration ceremony of National Lok Adalat organized today under the aegis of Legal Services Authority Act and under the guidance of respected Chairman, DLSA, Bokaro. आज देश भर में राष्ट्रीय लोक अदालत उत्सव के रूप में आयोजित किया गया है। आज के दिन किसी भी पक्ष का हार नहीं होता। लोक अदालत न्यायिक प्रक्रिया का वह अंग है जहां आपसी विवादों का निस्तारण न्यायपूर्ण तरीके से त्वरित तथा निःशुल्क किया जाता है। आज लोक अदालत के सुचारू संचालन के लिए बोकारो में 9 बेंच तथा बेगो के सेनू घाट में 3 बेंच डीएलएसए बोकारो द्वारा बनाए गए हैं, जिसमें पक्षकार अपने मामलों का निशुल्क निष्पादन करा सकते हैं। श्री हरिवंश राय बच्चन जी की पंक्ति है अंधेरी रात पर दीप जलाना कब मना है। With these thoughts in mind, I would kindly welcome respected PDG sir and our esteemed dignitaries on the dais for the lighting of the lamp. ॐ ह्रियो पाजनेनः जनमय जन्तदेवतानि देवानि प्रथमान् सन्नो देहनाकरं वैमान सशन्तयदभुजै साध्याः सन्दिवे मंच पर उपस्थित आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री अनिल कुमार मिश्रा, मंच पर उपस्थित श्री रजनीश कुमार डीएफओ, श्री जेपीएल पांडे सर,
श्री अनुज कुमार सर, श्री अरविंद कुमार बाप के प्रेसिडेंट सेक्रेटरी, हमारे बोकारो जिले के सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, बोकारो जिला बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्तागण, मेडिएटर, उपस्थित लिटिगेंट तथा मीडिया के साथी, सभी को टीएलएसए बोकारो की ओर से जोहार करना, आदाब शास्त्रीय का वेरी गुड इवनिंग। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह हमारा जो है राष्ट्रीय लोक अदालत पहले शेड्यूल था, जो बाद में किसी कारण से आज की तिथि पर रखा गया। हम लोग आज करीब 6,000 मामलों को लिस्ट किए हैं तेलुगु भाग वगैरह मिलाकर, और उसमें से लगभग 1600 मामलों का निष्पादन आज तक अभी तक हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि लगभग 2500 कोर्ट केस का मामला जो है आज के इस नेशनल लोक अदालत के 9 और 3, 12 बेंचों पर आज जो है हो। आप लोग सभी जानते हैं कि लोक अदालत के माध्यम से जो भी सेटलमेंट होता है उसका कहीं कोई अपील नहीं होता है, और लिटिगेशन जो है फाइनली रूप से जो है वो समाप्त हो जाता है। हम लोग अपने चेयरमैन और हमारे गार्जियन पीडीए सर के निर्देश से दिनांक 14/7/24 से ही हम लोग जो है लगातार लिटिगेशन बेंच का गठन कर सिविल कोर्ट में, रेवेन्यू में, सहकारिता ऑफिस में, एग्जीक्यूटिव के सारे ऑफिस में, बिजली विभाग में, और जहाँ भी लिटिगेशन के मामले आते हैं उसमें हम लोग जो है वादों का सफलपूर्वक निष्पादन किए हैं और कर रहे हैं और आज भी करेंगे। हम लोग 31/7/2024 से हमारे पीडीए सर के निर्देश और उनके देखरेख में खाता के पैसे की तरह बढ़ेगा। ये क्या होता है जरूर हमारे बीच उपस्थित आदरणीय लेबर जज साहब, डीएफओ साहब, आदरणीय चेयरमैन कंज्यूमर फोरम और उपस्थित हमारे अधिवक्तागण, सभी न्यायिक पदाधिकारी और वादकारीगण, आज का यह आयोजन सबको पहले से हम लोगों ने जो है काफ़ी प्रचार प्रसार करने के बाद आयोजित किया है। ये नालसा के द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय लोक अदालत है, और इस राष्ट्रीय लोक अदालत में आज हम लोग सिविल से संबंधित मामले, टेंडर से मामले, रेवेन्यू के मामले, बैंकों के मामले, इनका निष्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने बैंकों के लिए सभी नेशनलाइज बैंकों का स्टॉल लगवाया है, ताकि आप उसका अधिक से अधिक लाभ उठाते हुए ऐसे मामलों का निष्पादन करें जो आपके लोन से संबंधित है, जिसको कि भविष्य में आने लोक अदालत के माध्यम से डिस्पोजल हो जाने के बाद सिविल कोर्ट आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यही हमारा उद्देश्य है। एक तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे पास जो केसेस पेंडिंग हैं उनको हम लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित करके कम करें। दूसरा उद्देश्य है हमारा कि जो भविष्य में हमारे सिविल कोर्ट में जो मामले आ सकते हैं उनको सिविल कोर्ट आने के पहले रोक करके निष्पादित करें, ताकि वो विवाद सिविल कोर्ट तक न पहुँचे। इसी कड़ी में हम लोगों के द्वारा यह आयोजन किया गया है, और आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस आयोजन का भरपूर लाभ उठाएं, क्योंकि लोक अदालत के माध्यम से निष्पादित वाद में न कोई हारता है न कोई जीतता है, यहाँ पे दोनों पक्ष विजेता होते हैं, और आप अपने एक लंबे विवाद का निष्पादन शांतिपूर्ण ढंग से कर सकते हैं, जो कि कभी किसी विकृत रूप को धारण कर सकता है। ये अवसर है, और इस अवसर का लाभ हम लोगों को यहाँ उठाना है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इसका लाभ उठाएंगे, और इस लाभ को जो आप उठाएंगे इसको ले जा करके अपने गांव, अपने शहर जहां भी रहते हैं वहां भी इसको प्रचारित प्रसारित करेंगे कि कैसे लोक अदालत के माध्यम से हम अपने आपसी विवाद, चाहे उसकी प्रकृति कोई भी हो, उसका निष्पादन कर सकते हैं। इसी विश्वास के साथ मैं आपको बधाई देता हूं कि आप इस लोक अदालत के आयोजन में
अपने वाद के निष्पादन करने के लिए यहाँ तक आए हैं। साथ ही साथ बधाई मैं अपने अधिवक्ता गण को भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे इस आयोजन को जो है एक छोटे रूप से लेकर के यहाँ तक पहुँचाया है। बिना आपके इस आयोजन की सफलता कभी नहीं हो सकती है, इसके लिए भी मैं उनको जो है अपने हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ तथा मेरे साथ उपस्थित सभी बैंकों के पदाधिकारी, रेवेन्यू से संबंधित पदाधिकारी, हमारे आदरणीय DFO साहब, सभी का जो है आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपना जो है कीमती समय यहाँ दिया और इस आयोजन की सफलता में अपना योगदान दिया। अंत में मैं अपने आदरणीय DFO साहब और अपने आदरणीय सेक्रेटरी साहब का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप दोनों ने जो है एक ऐसी अनोखी पहल शुरू की इस DLSA के माध्यम से जो शायद झारखंड में अपना पहला उदाहरण होगा। तो मैं इस विश्वास के साथ कि आज हमारा जो आयोजन इस पौधे लगाने का था उसका आज हम समापन भी करेंगे और इस विश्वास के साथ समापन करते हैं कि अगली बार जब हम जो है पिछली बरसात आएगी तो इससे बड़े और व्यापक पैमाने पे इस आयोजन को करेंगे और इस आशा और विश्वास के साथ कि शायद हमारी इस सोच को झालसा अडॉप्ट करे और इसको पूरे झारखंड में फैलाए। धन्यवाद। रुपया इनके खाते में ट्रांसफर करवा दिया गया है और उसी का सर्टिफिकेट आज हम इनको प्रदान कर रहे हैं। इसका प्री लिटिगेशन केस नंबर 5/2024 हमने दर्ज किया था और पहला सुनवाई 11/24